कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पुलिस कई कदम उठा रही है। कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र सोचती गेट पुलिस चौकी के पास पुलिस ने ई मित्र के सहयोग से लोगों को राशि का वितरण करवाया ताकि इन लोगों को बैंक में ना जाना पड़े। यहां रुपए निकलवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग से कतारों में खड़ा किया गया ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा न रहे। SBI बैंक बड़ा बाजार का CSPO, मेरा नाम भरत सेन है और मैं यहाँ से आधार कार्ड से लोगों को पैसे निकालने की सुविधा उपलब्ध करवा रहा हूँ। सी साहब लेखराज जी सर ने हमको बुलाया था कि भाई लोगों को समस्या हो रही है यहाँ पे पेमेंट के लिए, लोग बिना मतलब बाहर जाते हैं फिर इधर उधर होते हैं, इसलिए आप यहीं बैठ के पेमेंट करो। हम एक समय में एक साथ मतलब बैंक से जो जैसे पैसे खत्म होते हैं वैसे पैसे की बैंक ने सुविधा उपलब्ध करवाई है, पैसे लेके आते हैं और यहाँ से मतलब जो ज्यादा आप देख रहे हैं भीड़ इतनी लंबी है तो कम से कम 2500 रुपए तक दे रहे ताकि एक दिन का उनके काम निकल जाए, फिर अगले दिन नेक्स्ट डे ले सकते हैं फिर वापस। पुलिस थाना सदर बाजार में दिनांक 6/4/2020 से कर्फ्यू लगाया गया है धारा 144, जिसमें किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर अनावश्यक निकलने की अनुमति नहीं है। एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लोगों के जो दिहाड़ी मजदूर और गरीब तबके के लोग हैं उनके पास जो बैंक रुपए हैं, बैंक अकाउंट है, वो ख़त्म हो गया है। तो इनके पास ने ATM है और ने चेक है, तो इनके रुपए निकलवाने के लिए किसी ई मित्र वाले से संपर्क करके यहाँ सोचती गेट चौकी के पास ई मित्र से हर रोज़ रुपए निकलवाए जा रहे हैं। कल और परसों दो दिन 1-1 लाख रुपये करीबन 50-50 व्यक्तियों के खाते से इनको विड्रा करा के दिए गए हैं और आज भी दिए जा रहे हैं।